how to change the WHO file type into original version or into original extension. अगर हमारा कोई फाइल है जो वो WHO type फाइल बन गया है ना वायरस की वजह से, तो उसको अपन ओरिजिनल में कैसे रिस्टोर करेंगे, इसको अपन देखते हैं आज. जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ऑफिस 2017 इसमें दिख रहा है WHO फाइल टाइप में दिख रहा है WHO फाइल, आप देख पा रहे हैं ना. तो अपन इसको देखते हैं. तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं देखिए अभी इसमें जाता हूँ, एक अपना नोट पैड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ CMD के थ्रू, और फिर मैं इसको, ये मैंने प्रैक्टिकल कर देखा है तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा, और कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा CD टाइप करूँगा और प्रेस एंटर. तो इस पाथ पे मैं चला गया, दिख रहे ऑफिस ENUS, मैं इस पे चला गया, दिख रहे ये वाले पाथ पे मैं आ गया हूँ. ठीक है, अभी अपन को ये चेंज करना है. तो अपन को क्या करना है कि बस थोड़ा सा ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर देखिए इसका जो कमांड होता है वो होता है ये WHO फाइल, ठीक है ना, REN*. जैसे कैप फाइल है तो यहाँ पर अपन देखेंगे .cab, ये आप देख पा रहे हैं .cab, .msi, .xml, ये तो ये ऑटोमेटिकली WHO फाइल में चेंज होना चाहिए. तो यहाँ पर अपन लिखेंगे .cab WHO स्पेस *.cab. तो अभी मैं देखो एंटर कर रहा हूँ तो आप इसमें यहाँ पर देखिए वो चेंज हो गया, ऑफिस RL कैप डबल आ गया. ठीक है, अभी अपन देखिए MSI में क्या लिखा है, ऑफिस MUI.MSI.WHO, इसको अपन चेंज करते हैं. तो MSI हमें डाल देंगे, यहाँ पर देखिए MSI दिख रहे हैं. अब इसको मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर करने किया तो देखो ये चेंज हो गया, एक्सटेंशन इसने चेंज कर दिया, होप की जगह क्या आ गया, विंडोज इंस्टॉलर आ गया. अभी अपन वन बाई वन सबको चेंज करते जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है, तो रुको मैं करता हूँ. अभी जैसे मैं जाता हूँ XML से रिलेटेड जो भी रहेगा वो हो जाएगा. XML हो गया हमारा, फिर हो गया हमारा एक मिनट, MSI हो गया, EXE देख लेते हैं, कैप देख लिया अपन ने, कैप के बाद अपने पास DPC अगर कुछ है, DPC नहीं है, कैप हो गया, DLL, EXE हो गया. तो इसमें अभी अपने पास सिर्फ एक ही फाइल बचा है, कौन सा ये फाइल बचा है .mst hoop, बाकी आप देख पा रहे हैं कि सब हो चुके हैं. अब इसमें से बचा है कौन सा, CHM भी बचा है, मैनिफेस्ट भी बचा है, तो इनको अपन कैसे करेंगे तो इसको देखते हैं. मेन अपन करते हैं सबसे पहले इसको MST hoop वाले को. तो MST hoop में जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डालूँगा MST कैसा कैपिटल में, तो MST जाऊँगा, फिर मैं इस यहाँ पर एंटर करूँगा. अब देख पा रहे ना, एडिट कर रहा हूँ मैं, MST कैपिटल किया, ये डाल दिया मैंने, और यहाँ पे एंटर किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली MST आ गया, MST फाइल. अभी एक और बचा अपना कौन सा, CHM. तो CHM के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे टाइप करेंगे CHM, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे अपन CHM, एंटर किया, एक्सटेंशन किया, देखिए ये ओरिजिनल में आ गया, अपना ओरिजिनल में आ गया. अब अपने पास हुप में सिर्फ एक ही फाइल बचा है, आप देख पा रहे हैं हुप फाइल में, कौन सा, manifest.who, तो उसको भी अपन चेंज करते हैं. अभी manifest, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, manifest, MANIFEST, ये अपन ने लिखा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, इसको एडिट करते हैं अपन, MANIFEST किया, एंटर कर दिया. एंटर करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये भी चेंज हो गया. अभी आप देख पा रहे हैं कि एक भी हुप फाइल अपने पास बचा नहीं है. अब आप इसमें एक ऑब्जर्वेशन करने वाली बात क्या है कि हमारे पास दो दो डबल डबल एक्सटेंशन आ गया, जैसे XML.XML, तो इसको फिर हमें रीनेम करना पड़ेगा. पहले तो दोस्तों सबसे पहले एंटीवायरस स्कैन किया करोगे आप इस वायरस के आने के बाद. जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये फुल स्कैन हो रहा है नॉर्टन का, मेरा ये एंटीवायरस चल रहा है. तो पहले तो आपको स्कैन करना है नॉर्टन से, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये स्कैनिंग चल रहा है ना. तो पहले स्कैन करना है कोई भी जो वायरस है उसको रिमूव करना है, फिर इसके बाद हमें ये करना है, क्योंकि इसको बॉस वैसे तो रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा हमें अगर मैनुअल एफर्ट लगाएंगे तो हमारे फाइल्स वापस आ सकते हैं, कोई भी हो, जैसे PNG हो तो PNG.png कमांड यही है, समझ रहे ना.
REN कमांड प्रॉम्प्ट में जाने का, REN मारने का, स्टार डॉट PNG करना है तो PNG डॉट हूप लिखा होगा वहाँ पे, फिर उसको स्टार डॉट PNG कर देंगे अपन। तो इस टाइप से अपन लिख देंगे। अब रहता है सवाल इसका, तो इसको हमें ऐसे करना है। देखिए आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आप इसमें क्या करना है, XML XML लिखा, जो एक XML को हमें रिमूव कर देना है। सॉरी मेरा हैंग हो गया। रिमूव करने के बाद ये देखिए अपना बेंडिंग XML आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन को उसका यूज़ करना है और अपने फाइल को रिकवर करना है। दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।